सरकार आधार कार्ड को भोटर आईडी सह लिंक करिबार समय सीमा को बढ़ाई देछंती। पूर्वरु एही काम 1 एप्रिल 2023 पूर्वरु करिबाकु कहा जायथिला, किंतु एही डेडलाइन को वर्तमान गोटे वर्ष पई बढ़ाई दिया जायछि। सरकारी नोटिफिकेशन मुताबक एबे एही काम को 31 मार्च 2024 पर्यंत आपण करि पारिबे। आधार कार्ड धारकों पर बड़ खुशी खबर, सरकार एवं लोकों आश्वस्तिकर खबर देछंती। आधार एवं भोटर आईडी लिंक करिबार डेडलाइन को वृद्धि करा जायछि। पूर्वरु एही काम 1 एप्रिल 2023 पूर्वरु करिबार थिला, किंतु एबे एहा को आपण आधार को भोटर आईडी सह लिंक करिबा पई 31 मार्च 2024 जाय समय पाई पारिबे। रिपोर्ट मुताबक आईन एवं न्याय मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन रे एहा विषय रे सूचना दे कुहा जायछि जे सरकार को कहिबा कथा जे एही काम बाध्यतामूलक नुहे, बरंग निजो सो इच्छा। निर्वाचन आयोग अनुसार एहा द्वारा जने व्यक्ति को नाम 1 रु अधिक निर्वाचन मंडली रे किंबा गोटे निर्वाचन मंडली रे 1 रु अधिक थर रहिथिले ताहा विषय रे सूचना हासिल होई परिबो। आधार एवं भोटर आईडी को लिंक करिबा पई आपण घरे बसी ऑनलाइन तरीका रे भी सहज रे करि परिबे। एहा को पूरा करिबार प्रोसेस बहुत सहज। ताले आसंतु दर्शक बंधु आउ डेरी न करी जानिबा आधार कार्ड को भोटर आईडी सह लिंक करिबार प्रोसेस कण। सर्वप्रथमे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल nvsp.in को जानतु। एबे होम पेज रे सर्च एंड इलेक्टोरल रोल उपरे क्लिक करंतु। एबे आपणको सामनारे एक नुआ पेज ओपन होई जिवो, एथिरे मगा जायथिबा समस्त सूचना एवं आधार संख्या को भरि दियंतु। समस्त सूचना को पूरण करिबा परे आपणको रजिस्टर्ड फोन नंबर को एक ओटीपी आसिबो। एही ओटीपी को आपण निर्धारित स्थान रे एंटर करंतु। एमिति करिबा परे आपणको आधार भोटर आईडी सह लिंक होई जिवो, आउ यहार सूचना आपणको फोन को एसएमएस माध्यम रे एवं ईमेल रे दे दिया जिवो। आशा करछु दर्शक बंधु वीडियो आपणको पसंद आसिथिबो। जदि आपणको हमर ए वीडियो पसंद आसताए एहाको अन्यमानंक सह भी निश्चय शेयर करंतु। आउ एपरि वीडियो आगको देखिबा पई जोडी होइ रहंतु हमर चैनल के न्यूज ओडिसा सह। आउ दर्शक बंधु एबे सुधा जदि हमर चैनल को आपण लाइक फॉलो आउ सब्सक्राइब करिनाहंती ताहेले जल्दी करि दियंतु।